हेलो दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूँ आप लोगों को मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप चाहते हैं अपने वीडियोस में ये एनिमेशन वाला सब्सक्राइब बटन को ऐड करने के लिए, तो आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को बड़ी आसान तरीके से समझा दूँगा कि कैसे आप लोग अपने कोई भी स्मार्टफोन से ये सब्सक्राइब वाला एनिमेशन ऐड करेंगे। दोस्तों देखिए, इसको ऐड करने से क्या होता है ना, आपके जो वीडियोस के व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनको वीडियो देखने में अच्छा लगता है, आपका वीडियो का जो क्वालिटी है थोड़ा इम्प्रूव होता है, ठीक है, और आपके व्यूअर्स को आपके वीडियो देखने में थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है, आपके वीडियोस की क्वालिटी बढ़ता है, एंगेजमेंट बढ़ता है, और क्या होता है ना, जो नए व्यूअर्स हैं उसको आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में भी समझने में आसानी होता है, ठीक है। आपको अलग से कोई इंट्रो बैठा कर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ये सब बोलना नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अपना समझाते रहेंगे और ये जो एनिमेशन है ये फ्लैश होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या देखिएगा, आपके देखिएगा ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो। तो दोस्तों चलिए, कैसे आप लोग इसको प्रैक्टिकली अपने वीडियोस पर अप्लाई करेंगे यही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों इसको मैं आप लोगों को काइनी मास्टर में ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि काइनी मास्टर में ही क्रोमा की का फैसिलिटी है, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। और कैसे आप लोग वीडियो में इसको ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे, चलिए ये मैं आप लोगों को काइनी मास्टर में दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग अपना काइनी मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने ओपन कर लिया है। दोस्तों ओपन करने के बाद आप लोग मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक वीडियो का डाउनलोड लिंक मिलेगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट पर चले जाइए। देखिए ये रहा नया प्रोजेक्ट, और मैं एक तो आप लोगों को वीडियो को दिखाता हूँ कैसे आप लोग करेंगे। देखिए ये रहा मेरा, ये सब मेरा वीडियोस है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक इसके ऊपर दिखाता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये वीडियो आपका वीडियो है, ठीक है, तो अब आप लोग कैसे उसको ऐड करेंगे वो एनिमेशन वाला सब्सक्राइब बटन। देखिए मैंने आप लोगों को जो डाउनलोड करने के लिए बोला था उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, तो उसको अब यहाँ पर लाएंगे, लेयर पर जाएंगे, फिर मीडिया एंड वीडियोस पर जाएंगे। जाने के बाद जिसको आप लोगों को मैंने डाउनलोड करने के लिए बोला था उसको आप लोग यहाँ पर लाइएगा। देखिए ये रहा, इसको ठीक जगह पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्रोमा की का देखिए ऑप्शन होगा, ठीक है, अब क्रोमा की पर जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर इसको एनेबल करेंगे। देखिए तो ये जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए सिर्फ सब्सक्राइब आएगा और बेल आइकन आएगा, ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपको ये ब्लैंक टेम्पलेट का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोग ये जो ब्लैंक है इसमें मैं आप लोगों को अपना खुद का चैनल और उसका नाम ऐड करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये आ गया है, अब इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद रुकिए, देखिए अब दोस्तों आपका चैनल का लोगो है, उस लोगो को यहाँ पर लाएंगे। देखिए ये रहा मेरा लोगो, ठीक है, मैं आप लोगों को जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग धीरे धीरे कीजिएगा तो आपको आसानी होगा। और उसके बाद आपका जो चैनल का नाम है उस नाम को भी लिख दीजिएगा। देखिए मैंने लिख लिया, लिखने के बाद इसको एक कलर दे दीजिएगा, ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक बस। और इसको थोड़ा जो सेफ है स्टाइल है इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, थोड़ा मोटा कर देता हूँ। देखिए और इसका जो शैडो है शैडो को ऑफ कर दिया। अब देखिए इसका जो ये लोगो है थोड़ा छोटा करना होगा, आप लोग धीरे सुस्ते इसको कीजिएगा, ठीक है, उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसका सही पोजिशन में आप अपना लोगो को लगा लीजिएगा, और आपका चैनल का जो खुद का लोग नाम है उस नाम को भी ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है।
देखिए हो गया। अब ये जो देखिए इन दोनों को एक एनिमेशन देना होगा। देखिए पहले किसी एक को पकड़ेंगे, फिर इन एनिमेशन में जाएंगे, जाने के बाद स्लाइड अप देंगे, स्लाइड अप 10 सेकेंड, ठीक है। फिर लोगों में भी जाएंगे, इन एनिमेशन स्लाइड अप 10 सेकेंड, हो गया। अब देखिए देखिए ये मैच करता है कि नहीं, ये देखिएगा। मैच नहीं किया तो इनको थोड़ा सामने कर देंगे, ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रुकिए, ये हुआ नहीं, थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, रुकिए। अब देखिए इसको आउट एनिमेशन देना होगा। हाँ, आउट एनिमेशन भी, आउट एनिमेशन में जाएंगे, जाने के बाद स्लाइड डाउन देंगे 10 सेकेंड, ठीक है। दोनों को ही एक ही एनिमेशन दीजिएगा और एक ही टाइमिंग दीजिएगा, बिल्कुल। अरे गलत हो गया थोड़ा। देखिए हो गया। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसी एनिमेशन को ऐसे ही दोस्तों आप लोग हर वीडियो में जहां जहां चाहते हैं कि इसको ऐड करने के लिए, तो ऐसे ही आप लोग इसको ऐड कीजिएगा। हाँ, सिर्फ का थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा और अपना लोगो और नाम को ऐड कर दीजिएगा बस। और एनिमेशन में स्लाइड अप और स्लाइड डाउन दे दीजिएगा और एक ही टाइमिंग दीजिएगा 10 सेकेंड का, तो आप लोग का ये हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपने वीडियो में जहां जहां चाहते हैं इस एनिमेशन को ऐड करने के लिए आसानी से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर क्यू स्लैश और अपना सवाल भी पोस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।